अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दार अरकम स्कूल एफ बी एरिया कैंपस ऑनलाइन क्लासेस सेशन 2021-22. ओके, सो दिस इज द वीडियो ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 2 एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज शेप्स, द 2D शेप्स. ओके, सो व्हाट आर 2D शेप्स? अ फ्लैट प्लेन फिगर और अ शेप दैट हैज 2 डायमेंशंस means length and width. ऐसे shapes जिनकी जो flat shapes होते हैं और उनकी सिर्फ 2 dimensions होती हैं, यानी कि उनकी सिर्फ length होती है और width होती है, लंबाई और वो कितने चौड़े हैं. ठीक है, now you can see which shape is this. Yes, it is a square. It has 4 sides that are all the same length and it has 4 corners. A square ki charo sides equal hoti hain aur iske 4 corners hote hain. Then which shape is this? It is a triangle, rectangle. Okay, rectangle has 2 short sides and 2 long sides. रेक्टेंगल की 2 छोटी साइड्स होती हैं और 2 लंबी साइड्स होती हैं. ठीक है, ओके, सो विच शेप इज दिस? यस, इट इज अ ट्रायंगल. इट मींस ट्राई मींस 3 साइड्स. ओके, अ प्लेन फिगर विद 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. एक ऐसा शेप जिसकी कितनी साइड्स हैं स्टूडेंट्स? 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं. इट मींस 3 कॉर्नर्स हैं इसके. ओके ओके, सो द लास्ट 2D शेप इज, व्हिच शेप इज दिस? वेरी नाइस, इट्स अ सर्कल. सो व्हाट इज अ सर्कल? अ सर्कल इज अ राउंड शेप फिगर दैट हैज नो कॉर्नर्स और एजेस. इट मींस ऐसा शेप जिसका कोई भी साइड या कॉर्नर नहीं है. ठीक है, क्या हमें इसमें कोई शेप, सॉरी, क्या हमें इसमें कोई कॉर्नर नज़र आ रहा है? कोई एजेस हैं इसमें? नो. तो जिसमें कोई भी एजेस, कोई भी कॉर्नर्स ना हो, दैट इज़ द सर्कल. सर्कल भी हो सकता है, वो ओवल भी हो सकता है. ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि शेप्स हमारे घर में भी होते हैं. आपकी जो क्लॉक है वो किस शेप की होती है? वो कभी कभी सर्कल भी होती है, कभी स्क्वायर भी होती है. ठीक है, डिफरेंट शेप्स के होते हैं. आप जिस कुशन पे सोते हैं वो किस शेप का होता है? समटाइम्स रेक्टेंगल होता है, कुछ स्टूडेंट्स का स्क्वायर होगा. ठीक है, ओके, सो हियर यू कैन सी द एक्टिविटी बुक. आई होप कि आपको शेप समझ में आ गए हैं. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज टू फाइंड शेप्स एट होम. ठीक है, घर पे इस चीज़ को नोटिस करें कि आपके जो अराउंड थिंग्स हैं वो किस शेप की हैं. क्या वो रेक्टेंगल हैं? क्या वो स्क्वायर हैं? वो सर्कल हैं या ट्रायंगल हैं? ओके, नाउ दिस इज़ योर एक्टिविटी बुक और इसमें हम एक अच्छी सी एक्टिविटी करेंगे आज. और वो एक्टिविटी क्या है, चलें देखते हैं. हियर इट इज़. ओके, सो जब आप, व्हेन यू ओपन द मैथ्स पोर्शन इन योर एक्टिविटी बुक, आफ्टर सम पेजेस यू विल फाइंड दिस वन. ठीक है, गेस द शेप. ओके, टीचर हैज फिल इट फॉर यू बट यू हैव टू रीड इट विद मी. सो सबसे पहली शेप, व्हिच शेप इज दिस? दिस इज अ 2D शेप एंड इट इज अ स्क्वायर. ये कौन सी शेप है? स्क्वायर. इट हैज़ 4 कॉर्नर्स. इसके 4 कॉर्नर्स हैं. ठीक है, इसके 4 कोने हैं ना. एंड इट हैज़ 4 साइड्स. उसकी 4 साइड्स भी हैं. अच्छा, इसके बाद कौन सा शेप है? इट इज़ अ सर्किल. ये एक सर्किल है. इट हैज़ 0 कॉर्नर्स. उसके कोई कॉर्नर्स नहीं हैं. एंड इट हैज़ 0 साइड्स. ना उसकी कोई साइड है. ठीक है, नेक्स्ट शेप इज दिस 2D शेप इज अ ट्राइंगल. इसकी कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स.
All right. And the last one is rectangle. Very nice. It has four corners and four sides. But two sides are shorter and two are longer. Okay, rectangle or square बहुत एक जैसे लगते हैं बट देर इज़ अ लिटिल डिफरेंस इन बिटवीन दैम. स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, बट रेक्टेंगल हैज़ टू शॉर्ट एंड टू लॉन्ग साइड्स. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट आर शेप्स, ठीक है. और ये तो वैसे भी आपने पढ़े हैं ना इन क्लास वन. सो दिस वॉज द रिव्यू, द रिविजन, ठीक है. नाउ दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो. इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज.